हेलो एवरीवन, बिना मिशेल साइट, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं वीडियो में बात करूंगा कि आईआरटी क्या होता है, यानी कि पूरा आईआरटी के बारे में प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। एडमिशन कैसे होता है, इसमें सिलेबस क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है, कोर्स कौन सा है, बहुत डिटेल में अच्छे से समझने वाला, पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। और मैं बताऊँगा कैसे आप इजी वे में इसको क्रैक भी कर सकते हैं। इजी वे में कैसे इसको आप क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपको पता हो तो भी अच्छा है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। आपको पता नहीं है तो भी जान लो कि 2021 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रियल कॉन्सेप्ट ने दिया है आईआरटी में। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आईआरटी में रियल कॉन्सेप्ट इस बार दिया है। आप यूट्यूब पर वीडियो में देखते कितने बच्चों ने टेस्टिमनी अपनी भेजी है हमारे पास, ठीक है। तो आपको तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है, कैसे पूरा क्राइटेरिया हम लोग जानेंगे, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या फी लगता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे एडमिशन होता है, पूरी चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक आपको अगर आईआरटी की कंप्लीट प्रिपरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में करनी है तो आपको रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग, अब देखो ये लोगों दिख रहा नहीं, वाले लोगों इसी लोगों का आपको क्या मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको डाउनलोड करेंगे आप और स्टोर ऑप्शन में जाएंगे। स्टोर ऑप्शन में जाने के बाद आपको आईआरटी 2022 लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। सिर्फ 999 में कंप्लीट आप आईआरटी की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आज बात करेंगे आईआरटी क्या है। देखो, आईआरटी बेसिकली है क्या ना, ये भी एक डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा देता है। क्या कहता है, डिप्लोमा करवाता है। क्या करता है, डिप्लोमा करवाता है। जैसे आपने सुना होगा यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, अपने अपने स्टेट का एक क्या होता है, एक पॉलिटेक्निक होता है। उसी प्रकार आईआरटी भी एक कॉलेज है जो क्या करता है, डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है। डिप्लोमा प्रोवाइड पूरे भारत में आईआरटी है, कहीं से थोड़ा सा इसका भौकाल होता है, वैसे डिप्लोमा ये भी प्रोवाइड कराता है और डिप्लोमा यहाँ से भी होता है। तो आप ऐसा नहीं कि डिप्लोमा आईआरटी से करेंगे तो ही बेस्ट रहेगा, मतलब प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो समझ गया कि आईआरटी क्या करता है, डिप्लोमा आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक। हम लोग डिप्लोमा के लिए बात करेंगे और 3 साल के डिप्लोमा की बात करेंगे, 3 ईयर डिप्लोमा, 6 सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर वाले डिप्लोमा की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। कैसे होता है एडमिशन, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, सारा चीज़ उसके बाद आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं, बिल्कुल घबराना मत। ये चीज़ आपको समझ में आई आर टी क्या है, ये क्या करते हैं, डिप्लोमा करवाता है, डिप्लोमा देता है। अब कैसे होता है एडमिशन, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप 10th पास होने चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, या फिर अपियरिंग में यानी कि या तो आप 10th पास कर लिए हो या फिर अभी 10th में हो, ठीक है। तो आप क्या, या तो सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी से, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अभी मेरी एक बच्चे से बात हुई होती, प्रियोरिटी क्या लेते हैं ना, यूपी वालों को प्रियोरिटी देते हैं, यानी कि अगर बच्चा यूपी का है तो उसका एडमिशन रैंक थोड़ा खराब भी होगा। मान लो कि अदर स्टेट से बच्चा रैंक कितना भी अच्छा, उसको पहले एडमिशन ये लोग नहीं देते हैं, ये आज पता चला ये चीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कहीं से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार से फॉर्म भरेंगे तो अगर सीट बचेगा तो ही आपको दिया जाएगा एडमिशन। ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यानी 10th पास होने चाहिए या फिर अपियरिंग में। अगर आप अपियरिंग में हैं तो काउंसलिंग के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंट को आपको शो करना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मैंने क्या बता दिया, या तो आप 10th पास होने चाहिए या फिर 10th अपियरिंग में होने चाहिए आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इंडिया के किसी कोने से फॉर्म बच्चा भर सकता है, कोई मनाही नहीं है। वहाँ पे बिहार का भी ऑप्शन देगा, हरियाणा, हर जगह का देगा, लेकिन सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, यूपी वाले बच्चे को क्या करते हैं, काउंसलिंग करके इनको छाट लेते हैं, जब सीट बचता है तब अदर वाले को ये मौका देते हैं। 3 बातों को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए ऊपर मैं ये खास वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आए समझ में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, या तो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने क्या बताया, या तो आप 10th पास होने चाहिए। अब मैं बताऊँगा कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, क्या सिलेबस है, पूरा मैं बताऊँगा, बेसिक से देखना, या फिर अपियरिंग में होने चाहिए, साइंस एंड मैथ से आप होने चाहिए, ठीक है। 10th पास या फिर अपियरिंग, चीज़ समझ में आ रही है। मिनिमम एज होगी बेटा आपकी 14 होनी चाहिए, जो कम से कम जो एज होगा आपका 14 साल का होगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट
नहीं आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कभी भी फॉर्म भरोगे, ऐसे समझ में, यानी कि आप ऐसे, ये क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम यूपी के बच्चे ही फॉर्म इसको भरते हैं, भर तो पूरे ऑल ओवर इंडिया सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आता है, फॉर्म कब आता है। देखो अब जनरली अगर मैं बात करूं, ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं, कोरोना टाइम ना चल रहा हो तो ये फरवरी से लेके मार्च तक आपका फॉर्म आ जाता है, ठीक है, फरवरी से लेके मार्च तक आपका फॉर्म आ जाता है। और जो एग्ज़ाम है आपका जून से जुलाई तक, अगर कोरोना काल नहीं रहा, जनरली बताएं तो ऐसा होता है, कोरोना काल में कोई नियम फॉलो ऐसे होता नहीं है, जानते ही हो कब एग्ज़ाम कब हो रहा है, इस बार 24 और 27 अगस्त को हुआ था। तो जून से जुलाई तक लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा, फरवरी से मार्च तक फॉर्म भरेंगे। कितना फ़ी लगेगा आपका? सर 1350 रुपये आपका फ़ी लगेगा, आप किसी भी कॉस्ट से कुछ भी हैं तो। कितना फ़ी लगेगा पूरा डिटेल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 1350 आपको फ़ी देना है। कितना देना है भाई? 1350 आपको फ़ी देना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चंस कितने आते हैं, देखो अब मैं आगे थोड़ा सा बात करूँगा। देखो आपको नहीं पता है तो जान लो, एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कितने? 75 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल कितना हो गया? 300 मार्क्स का, यानी कि 300 नंबर का क्या होगा आपका पेपर होगा, और पेपर कैसा होगा? एमसीक्यू होगा। और एक बात और ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी ये क्वेश्चन 4 नंबर का, ये क्वेश्चन गलत कर दे उसमें से एक नंबर कट जाएगा, यानी कि एक नंबर चार, 1/4, यानी कि 4 नंबर का 1/4 कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो एक नंबर कट जाएगा क्वेश्चन गलत करोगे, तो ध्यान रखना है 1/4 का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब जो 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री से, यानी दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, ये 10th लेवल का होता है। मैं 10th लेवल वाले IRT की बात कर रहा हूँ, कहने के ही 10th लेवल नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स आप देखोगे आप में तो लगभग 30% 11th 12th के भी टॉपिक्स होते हैं, पूरा हम लोग कराते हैं बेसिक तरीके से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई, यानी कि ये रहा IRT की बात। अभी ब्रांच के बारे में बात करें, कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देखो यार यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, भरने को तो कोई भी फॉर्म भर सकता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भर सकता है, लेकिन ये लोग पता है क्या, मैंने देखा कि प्रियोरिटी यूपी वालों को ही देते हैं, यानी यूपी वालों का हो जाएगा और सीट बचेगा तभी किसका होगा, तभी आपका बिहार से झारखंड से है तो होने वाला है, ठीक है। कोर्स कौन कौन से मैं बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्या होता है IRT, सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है एडमिशन, यानी कि पेपर होगा आपका 300 नंबर का, कितने नंबर का? 300 नंबर का। अब इस पे मेरिट बनेगा, ठीक है, और जिस बच्चे का मेरिट अच्छा होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, ये लोग एक मेरिट लिस्ट बना करके काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, काउंसलिंग हुआ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं पर तुरंत आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैं क्या बताता हूँ, ब्रांचेज के बारे में थोड़ा बता रहा था, ब्रांचेज कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं 3 साल यानी 6 सेमेस्टर डिप्लोमा के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल। सिविल में 3 ब्रांचेज देख लो, ये हैं, पढ़ लो अच्छे से। डिप्लोमा इन मैकेनिकल में 6 ब्रांचेज हैं, यानी कि चीज़ें आप देख सकते हैं, चीज़ें आप खूब अच्छे से देख सकते हैं, ब्रांचेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। कौन सी ब्रांच सबसे बढ़िया होती है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बन गया और भी मैं वीडियो बना दूंगा, कौन से ब्रांच सबसे बढ़िया है, ठीक है, कौन सी ब्रांच सबसे बढ़िया है, क्लियर हुआ। अब मैं एक चीज और बता दूं, अब एक चीज मैं और बता दूं आपको कि बच्चे ज्यादा प्रीफर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ही करते हैं, और सब में 75 75 सीटें हैं। अब कैट काउंट कर सकते हो कितनी सीटें हुई, सब में 75 75 सीटें होती हैं, क्लियर हुआ। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया IRT का। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तैयारी, आप हमारे साथ करना चाहते हैं तैयारी, तो हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग तैयारी करवाते हैं। कैसे तैयारी करवाते हैं, फीचर्स क्या क्या होती हैं, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियो लेते हैं हम लोग, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियो लेते हैं, आए समझ में, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड, यानी कि देखो क्या होगा ना, आज मैंने बैच लॉन्च कर दिया, आज 2 बच्चों ने एडमिशन लिया, मैंने पहला चैप्टर लाइव कर दिया, फिर 2 दिन बाद 3 बच्चों ने लिया, फिर पहला चैप्टर कर, फिर 10 बच्चों ने लिया, फिर 50 बच्चों ने लिया, तो डेली अगर लाइव क्लास चलाएंगे, शेड्यूल करेंगे, तो पहला ही चैप्टर पूरे साल चलेगा। तो हम लोग सब देखो लाइव भी चलेगा, ऐसा नहीं है, पहले क्या करते हैं पूरे चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो दे लेते हैं, ताकि बच्चा पूरा थ्योरी कंप्लीट कर ले, एक बार नहीं 1000 बार देख ले, ऐप में वीडियो डाउनलोड कर लेगा, पूरा सुविधा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिख जाएगा, आपका नंबर सेव हो जाएगा, आपका आपको मेरा स्टेटस देख सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो कि कौन सा कब क्लास कैसे चलने वाला, पूरा व्हाट्सअप पे इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है।
लाइव डाउट सेशन होगा, बच्चे को कोई दिक्कत आती है तुरंत लाइव क्लास ऐप में ही चलेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे सप्ताह में 1 से 2 दिन क्लास की रखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल का सीरीज, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में जितने भी न्यूमेरिकल सीरीज होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का सीरीज, यानी पूरा प्रिपरेशन हम लोग करवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। PYQ सॉल्यूशन कराएंगे, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछेगा उसको एग्जाम के आने के टाइम ये सब काम किया जाएगा। ये सब काम कब होगा, जब एग्जाम आएगा तब। मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, PDF भी देंगे, सॉल्यूशन देंगे, क्विज वगैरह सारा कुछ कराएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, मोटिवेट करेंगे आपको कैसे क्या करना है, यानी पूरा कंप्लीट सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 999। सर 1000 कर दो, नहीं इतना अच्छा लग रहा है ना 999, तो आप सिर्फ 999 में, क्योंकि आपको पता नहीं तो पता कर लो, 2021 में IRT में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम लोगों ने दिया है। ये बच्चों की मेहनत है और हम लोग का थोड़ा सा डायरेक्शन और गाइडेंस रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता होगा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। एक बार लास्ट में एक और मैं बता लेता हूँ कि फॉर्म कोई भी पूरे भारत से भर सकता है, लेकिन क्या होगा कि प्रियोरिटी सबसे पहले UP वालों को दी जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोशिश करो UP वाला भरो तो और अच्छा ही है। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा कमेंट करना जरूर बताना, थैंक यू सो मच।